सिलेबस रिक्वायरमेंट का मतलब है कि सिलेबस ने कहा हुआ है कि बच्चे को सब्स्टिट्यूशन नहीं सोचनी होगी, सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, ठीक है। मतलब सिलेबस में लाइन लिखी हुई है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ गिवन सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपने कभी बैठ के नहीं सोचना कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन इस तरह लिखा होगा, वो कहेंगे कि ये इंटीग्रेशन करनी है आपने लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन के साथ करनी है, ठीक है। मैं यहां पे साइड पे ना स्टेप्स लिखता जाऊंगा। स्टेप वन, डिफरेंशिएट द सब्स्टिट्यूशन। जी, इसको डिफरेंशिएट करने क्या बनेगा, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 9x2। और इधर से इस चीज को जो आपके इंटीग्रेशन की लास्ट वाली चीज है इसको सब्जेक्ट बना लें, ठीक है, एंड मेक dx, dx होगा या d थीटा होगा, जो भी वेरिएबल है, जो आपके इंटीग्रेशन का ये वाला वेरिएबल है, एंड पे जो आपके इंटीग्रेशन में dx लिखा हुआ है उसको सब्जेक्ट बना लें, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो du इज इक्वल टू 9x2, dx और dx की वैल्यू आ गई du ओवर 9x2। बिल्कुल ठीक हो गया। सो अब आप दोबारा लिखेंगे, इधर आ जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। लिमिट्स को जरा दो मिनट इग्नोर करने, लिमिट्स का मैं आपको बताता हूं क्या करना है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन करनी स्टार्ट कर दें। जी, ये 3x³ + 5 किसके इक्वल है, 3x³ + 5 किसके इक्वल है, यू के, यहां पे यू लगा देते हैं। डी एक्स किसके इक्वल है, डी यू ओवर 9x² के। आप देखें जी, कोई कटिंग हो रही है, x² से कट गया, आपके पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर 4 ओवर 9 du, ठीक है। अगर आपका सारा वेरिएबल कैंसिल हो जाए तो दिस इज कॉल्ड, आपका सारा का सारा क्वेश्चन x से निकल के u में चला जाए, दिस इज कॉल्ड अ सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन। स्टेप टू, मेक अ बॉक्स फॉर लिमिट्स। जैसे मैं बॉक्स बनाऊंगा आपने वैसे ही बनाना है, खुले में वर्किंग नहीं करके आनी, काम आएगी। मुझे पता है, मैंने एक एग्जामिनर कमेंट के अकॉर्डिंग में ये बॉक्स बनाया हुआ है। आपने इधर हेडिंग देनी है लिमिट्स, आपने इधर लिखना है अपर लिमिट, इधर लिखना है लोअर लिमिट। अपर लिमिट u इज इक्वल टू 3x³ + 5, पहले तो सब्स्टिट्यूशन इधर भी लिख लेनी है, इधर भी लिख लेनी है। अब आपने पहले x की वैल्यू पुट करनी है 0 अपर लिमिट में, सॉरी अपर लिमिट में 2 लोअर लिमिट में, जी अपर लिमिट में 2 पुट कर दें, u इज इक्वल टू 3 × 2³ + 5, तो u की वैल्यू आ गई 8 × 3 = 24 + 5 = 29 आ गई, u की वैल्यू आपके 29 आ गई। अब 0 पुट कर दें, तो u इज इक्वल टू 3 × 0² + 5, तो u की वैल्यू आ गई 5 आ गई आपके पास, ठीक है। अब नोटिस करें, क्योंकि बेटे ये वाली लिमिट्स x की थी, क्योंकि आपका वेरिएबल x में था, ठीक है, उनको आपने कन्वर्ट करना है u की लिमिट्स में। अब आपके पास u की लिमिट्स आ गई बेटा, याद रखिएगा अपर वाले से ऊपर नहीं आनी चाहिए, लोअर वाले से छोटी लिमिट आनी चाहिए। 1/9 को बाहर भेज दें, u की पावर 4 को इंटीग्रेट करना चाहते हैं 29 से लेके 5 तक, 1/9, जी इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी u की पावर 5 ओवर 5, और आप लिमिट्स क्या पुट कर देंगे 5 से लेके 29 तक। सो दिस विल बी 1/9 × 29 / 5/5 - 1/9 × 5/5/5, और जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल एरिया होगा। अब एक सेकेंड, मैं सबको क्लैरिफाई कर लेता हूं, तीन छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, सिर्फ वो स्टेप्स मेरे साथ देखिएगा बेटे। पहला स्टेप है, जब भी इंटीग्रेशन की बाय सब्स्टिट्यूशन आ जाए आपने फॉरन सब्स्टिट्यूशन को पकड़ के डिफरेंशिएट करना है,
और ये वाला जो वेरिएबल है ना डी एक्स लिखा होगा या डी थीटा लिखा होगा उसको इधर से सब्जेक्ट बना लेना है, इस चीज को इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है डीएक्स की जगह, ठीक है। इसको देखो मैंने बल्कि यहां पे भी नहीं किया, इधर जाकर डीएक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आ जाएगा। और जहां जहां पे भी आपको 3x³ + 5 लिखा मिला आपने वहां पे यू लिख दिया, बाकी का एक सारा कट गया। जब आपकी पूरी इक्वेशन यू की टर्म्स में आ जाएगी तो आप कहोगे कि एक सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन हो गई है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपकी लिमिट्स खराब है, अब आप लिमिट्स को ठीक करने के लिए एक बॉक्स बनाओगे। लिमिट्स में बेटे अपर और लोअर लिमिट लिखोगे, अपर लोअर लिखना लाजमी है, शो करवाना है, दोनों में सब्स्टिट्यूशन लिखोगे। बेटे देखो जो लिमिट्स डली हुई थी वो एक्स की लिमिट्स थी 0 से 2 तक, यू के लिए तो 0 से 2 नहीं यूज कर सकते। अब आपने सब्स्टिट्यूशन में एक्स की दोनों लिमिट्स डाल देनी है और वहां से वाई के आंसर आने चाहिए, ठीक है। अपर लिमिट मस्ट बी बिगर, लोअर लिमिट मस्ट बी स्मॉलर, अपर लिमिट मस्ट बी बिगर देन लोअर लिमिट। अगर उल्टा हुआ तो क्या करेंगे मैं बताता हूं, ठीक है। तो अपर लिमिट 29 आ गई, लोअर लिमिट 5 आ गई, हमने कहा बिल्कुल ठीक हो गया, सही जा रहे हैं, ठीक है। अपर लिमिट 29 लगाई, निचली 5 लगाई, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेट करना सबसे आसान काम होता है, वो आराम से हमारे से इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। यू की पावर 4 थी, यू की पावर 5 डाल के डिवाइड बाय 5 कर दिया, न्यू पावर से डिवाइड करके और उसके बाद लिमिट्स लगा दी जी। अब हमारे पास है जी सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है किस चीज की, 1 से लेकर 4 की, 1 ओवर dx, और आपके पास u है जी, u है आपके पास अंडर रूट x। अब मैंने आपको बताया आपने पहला काम u को सब्स्टिट्यूट u को डिफरेंशिएट करना होता है, तो मैं इसकी पावर लिखूंगा हाफ, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा du ओवर dx इज इक्वल टू हाफ x की पावर -1/2 इनटू 1, सो ये आ जाएगा du बाय dx is equals to 1/2 √x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx सब्जेक्ट बन जाएगा 2√x du। पहले डिफरेंशिएट करा के इस dx को सब्जेक्ट बना लिया ताकि अब आप इस चीज को यहां पे प्लग इन कर सकोगे। अब हम सब्स्टिट्यूशन करने लगे, सो लिमिट्स को जरा मिस करवाओ भी, 1/ x वैसे ही पढ़ा रहा, 4 - √x की जगह क्या लिखोगे, u लिख दोगे, इनटू जी dx की जगह क्या लिखोगे, 2√x du। ओके अब सुनो, सो पहली चीज हमने डिफरेंशिएट किया, वहां से dx को सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या किया, आपने dx की जगह वो सब्स्टिट्यूशन कर दी, और क्वेश्चन में जहां जहां पे भी आपके पास अंडर रूट एक्स था, ये देखें जहां जहां पे भी आपके पास अंडर रूट एक्स है वहां पे आपने यू लगा दिया, ये यू लगा दिया आपने। अच्छा, इज दिस अ सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन, नो इट्स नॉट, ठीक है ना। क्यों नहीं है सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहां पे भी एक्स की और टर्म्स हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि हम दोबारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हमने कहा ये भी देखें, ये भी अंडर रूट ये है, इसको भी सब्स्टिट्यूट करना है, इसको भी करना है, कैसे करना है, इस अंडर रूट एक्स की जगह तो यू लग जाएगा, और ये एक्स के लिए हम थोड़ी सी वर्किंग और कर लेते हैं। एक्स के लिए हम वर्किंग क्या करते हैं कि आप कहते हो कि यू तो है वो अंडर रूट एक्स के इक्वल है, तो u स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x के। तो x की जगह पे फिर दोबारा से सब्स्टिट्यूशन वहां से बना के अप्लाई करें कि जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे उसकी जगह u स्क्वायर लगाएंगे, यहां पे u स्क्वायर लगाऊंगा। सो अब देखिएगा जरा मेरी दोबारा से वर्किंग, 2/ u स्क्वायर ये जरा देख लें, इस x की जगह u आ गया, ये इस x की जगह u आ गया, इस x की जगह ये u स्क्वायर आ गया, ठीक है। अंडर रूट x की जगह u आ जाना था और x की जगह u स्क्वायर आ जाना था, ये इसकी जगह पे है, ठीक है। और अब u कैंसिल आउट हो जाते हैं,
यू कैंसिल आउट हो जाता है, अब हमारे पास बच के जाता है नीचे इंटीग्रेशन ऑफ टू ओवर यू इंटू फोर माइनस यू डी यू, यहां पे बॉक्स बनेगा लिमिट्स का, सो अपर लिमिट अलग निकालोगे, लोअर लिमिट अलग निकालोगे, दोनों के लिए पहले सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखोगे, वहां से अपर लिमिट देखो x की क्या है 4, लोअर लिमिट देखो x की क्या है 1, तो यहां से u की वैल्यू निकाल लोगे, अंडर रूट 4 u आ जाएगा 2, और u की वैल्यू निकाल लोगे अंडर रूट 1, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1। अपर बड़ी होनी चाहिए थी, लोअर छोटी होनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक चल रहा है, अपर की जगह 2 लिख दोगे, लोअर की जगह 1 लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया कि आप यहां तक आ गए। जी गाइस, इसके ऊपर सोचें जरा, इस पे एक नोट लिखवाता हूं, क्या हम नीचे की डिफरेंशिएशन ऊपर पूरी कर सकते हैं? देखो नीचे की डिफरेंशिएशन आ रही थी 4u, ये देखो डिनोमिनेटर में था 4u माइनस u स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 2u आ रही थी, तो ये आप ऊपर पूरी नहीं कर सक रहे थे, तो एक कंफर्म बात हो जाती है कि ये किसका क्वेश्चन होता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है, ये याद रखना आपने, ठीक है। तो अब आपने क्या करना था, अब आपने सबसे पहले करना था कि आपको पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकालनी आनी चाहिए थी। देखा नहीं कम बच्चों को पता चलता है, इसलिए मैं ये रूल लिखवाता हूं कि जब भी कभी ये कहीं पे लिखनी है बात तो लिख भी लो अपने आमने सामने कहीं पे, जब भी कभी नीचे की डिफरेंशिएशन ऊपर ना पूरी हो सक रही हो तो कंफर्म पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो ये हमने इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट देखा, इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंट देखा कि अगर फॉरन सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, अगर फॉरन सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन नहीं होती आपसे, तो आपने उसको इवेंचुअली बार बार उस नंबर को सब्स्टिट्यूट कर करके आपने सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन बना लेनी होती है, थोड़ी देर लगती है लेकिन वो बन जाती है, ठीक हो गया। एक और करवाता हूं जी गाइस, ओके मैं थोड़ा सा जल्दी बीच में पकड़ता हूं ताकि तुम लोगों को क्वेश्चंस करने आए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का, इंटीग्रेशन इसके बाद हमारी खत्म हो जानी है कंप्लीट, ओके। सो पहली चीज तो ये कि हमने प्रूव करना है 2 से लेके 5 तक, 5 ओवर x प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस x dx, और सब्स्टिट्यूशन है अंडर रूट ऑफ 6 माइनस x। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैं लिखूंगा 6 माइनस x की पावर हाफ du बाय dx इज इक्वल टू हाफ, आप पीछे दे जाते हैं, हाफ में से 1 माइनस कर देते हैं, इनटू बॉक्स की डिफरेंशिएशन माइनस 1 है, तो यहां से आपके पास du बाय dx आ जाता है माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 6 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस dx आ जाता है 2 अंडर रूट ऑफ 6 माइनस x dx du, और यहां से माइनस को भी उधर शिफ्ट कर देते हैं, सो दिस विल बिकम माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6 माइनस x du, ये सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनानी है। अब इसको उठा के लेके जाके इधर पुट करना है हमने, ठीक है। सो अब देखते हैं 5 ओवर x प्लस अंडर रूट 6 माइनस x इंटू माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6 माइनस x dx du, ठीक है जी। अब जहां जहां पे अंडर रूट 6 माइनस x लिखा हुआ है वहां पे तो u लगा दें, एक तो यहां पे आप u लगा दोगे और एक यहां पे u लगा दोगे, ये दो जगहों के ऊपर क्या लगा देंगे, u लगा देंगे, अच्छा ठीक है। सो ये हो जाएगा
फाइव ओवर एक्स प्लस यू इंटू माइनस टू यू डी यू. माई क्वेश्चन इज दिस अ सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन? नो, बिकॉज अभी यहां पे ये एक्स की जगह पे तो आप यू लगा चुके, ठीक है, ये यू यहां पे आ चुके, एक एक्स अभी भी है. तो अब आपको दोबारा इस इक्वेशन में जाना है और आपने इस इक्वेशन से दोबारा सब्स्टिट्यूशन निकालनी है एक्स की वैल्यू की. नाउ वी वांट एक्स की वैल्यू. तो अब आप कहोगे यू इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स माइनस एक्स है, तो यू स्क्वायर जो हो जाएगा वो सिक्स माइनस एक्स हो जाएगा और एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, सिक्स माइनस यू स्क्वायर हो जाएगी. अब ये सब्स्टिट्यूशन उठा के एक्स की जगह पे लगा देनी चाहिए आपको. एक्स की जो वैल्यू है सिक्स माइनस यू स्क्वायर वो यहां पे लगने लगी है. सो अब हम क्या करेंगे, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन माइनस टेन यू ओवर सिक्स माइनस यू स्क्वायर प्लस यू डी. तो ये हो गई हमारी सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन के हमारे पास सारी की सारी चीज जो है वो x से उठा के हम u के अंदर ले आए. अपर लिमिट में आ जाते हैं जी, u इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिक्स माइनस एक्स, u इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिक्स माइनस एक्स, ठीक है. यहां पे x की अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं. क्या क्या थी, फाइव और टू थी शायद जी. x की अपर लिमिट है फाइव, लोअर लिमिट है टू. u is equals to under root of 6 minus 5, u की वैल्यू आ जाती है 1 और यहां पे u आ जाता है under root of 6 minus 2, u की लोअर वैल्यू आ जाती है 2. नोटिस किया है अपर वैल्यू, अपर लिमिट छोटी है, लोअर लिमिट बड़ी है, लेकिन लिखनी तो आपको ऐसी ही पड़ती है. अपर लिमिट लिखनी पड़ गई 1, लोअर लिमिट कितनी लिखनी पड़ गई आपको 2. ये अपर लोअर लिमिट्स देख ले मैंने कहां पे लिखी है, उनको छेड़ना नहीं है. अपर लिमिट को 1 लिखना पड़ा और लोअर लिमिट को मुझे एक सेकंड किसी और पर जी, और लोअर लिमिट को आपको 2 लिखना पड़ रहा है, ठीक है. नाउ वी नो कि ये गलत फॉर्मेट है, ऊपर अपर लिमिट होती है, नीचे लोअर लिमिट होती है. ये आखिरी बात अब मस्त कर रहे हैं इसकी और ये खत्म हो जाना है कॉन्सेप्ट सारा. तो अब सीख लें इफ द लिमिट्स आर इन रॉन्ग ऑर्डर. तो प्रॉपर्टी क्या यूज होती है, तो प्रॉपर्टी ये यूज होती है बेटे, आपके पास कभी भी कोई चीज हो उसके ऊपर यू लिमिट लगी हो ए और बी और आप लिमिट को फ्लिप करना चाह रहे हो, इफ यू फ्लिप द लिमिट अंदर वाला फंक्शन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव. इफ यू फ्लिप लिमिट इनर फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव. तो अब देखिए जी, अब इसको फ्लिप करते हैं, लिमिट्स फ्लिप करने लगे तो जब आप इसकी लिमिट को फ्लिप करोगे तो फाइव ऊपर चला जाएगा, सॉरी टू ऊपर चला जाएगा, वन नीचे आ जाएगा और ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 यू ओवर, और इसकी कोई वर्किंग नहीं करके दिखानी, 3 माइनस यू 2 प्लस यू डी यू. ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की कि आप कभी भी लिमिट्स को फ्लिप करो तो आपकी जो लिमिट्स हैं बेटे वो अंदर वाली चीज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है नेगेटिव से. चलो जी, इसकी जरा पार्शियल करो, जरा जल्दी से प्लीज इसकी पार्शियल करो. मैं ये इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ ना, इसका सेकेंड पार्ट का प्रूफ करके दिखाता हूँ. 2, 1, ठीक है. और अब इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने लगे हैं तो यहां पे साइड पे पार्शियल की वर्किंग कर लेते हैं. जरा जल्दी से पार्शियल की वर्किंग कीजिएगा.
अब आप लिखेंगे जी टेन यू ओवर थ्री माइनस यू टू प्लस यू इज आइडेंटिकल टू ए ओवर थ्री माइनस यू बी ओवर टू प्लस यू ए इंटू टू प्लस यू बी इंटू थ्री माइनस यू इज आइडेंटिकल टू टेन यू। तो एक तो यू की वैल्यू माइनस टू लेनी है हमने और एक यू की वैल्यू थ्री लेनी है। जब यू की वैल्यू आप माइनस टू लोगे तो टेन इंटू माइनस टू इज इक्वल्स टू बी इंटू थ्री माइनस माइनस टू। सो माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू फाइव बी और बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर। ठीक है, और दूसरी तरफ ए निकालेंगे तो टेन इंटू थ्री ए इंटू टू प्लस थ्री थर्टी इज इक्वल्स टू फाइव है ए इज इक्वल्स टू सिक्स। तो ये बन गया सिक्स ओवर थ्री माइनस यू प्लस प्लस नहीं माइनस फोर ओवर टू प्लस यू। ये तीन नंबर इसके मिल गए, अब तीन नंबर इंटीग्रेशन ही मिल रहे हैं। इसकी जगह पे लगा देंगे सिक्स ओवर थ्री माइनस यू माइनस फोर ओवर टू प्लस यू डी यू। अलग अलग कर लेते हैं, सिक्स को बाहर भेज दें, वन ओवर थ्री माइनस यू को अलग इंटीग्रेट, माइनस फोर को बाहर भेज दें, वन ओवर टू प्लस यू डी यू। अब नीचे की डिफरेंशिएशन ऊपर पूरी होनी चाहिए, तो नीचे की डिफरेंशिएशन माइनस वन है तो ऊपर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर माइनस वन से डिवाइड कर देंगे, ये तीन चीजें खत्म हो जाएंगी, एल एन आ जाएगा। सो माइनस सिक्स एल एन थ्री माइनस यू माइनस, अब यहाँ पे ये तीन चीजें गायब हो जाएंगी, फोर एल एन टू प्लस यू। इसके ऊपर अब हम लिमिट लगाना चाह रहे हैं, अपर लिमिट है जी हमारी टू और लोअर लिमिट है वन। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, अपर लिमिट ज्यादा बड़ी चीज ना नहीं, अपर लिमिट माइनस सिक्स एल एन थ्री माइनस टू माइनस फोर एल एन टू प्लस टू माइनस लोअर लिमिट माइनस सिक्स एल एन थ्री माइनस वन माइनस फोर एल एन टू प्लस वन। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस सिक्स एल एन वन, एल एन वन तो खत्म हो जाएगा, प्लस फोर एल एन माइनस फोर एल एन फोर प्लस सिक्स एल एन टू प्लस फोर एल एन थ्री। सिक्स एल एन टू प्लस फोर एल एन थ्री माइनस फोर एल एन फोर, इनको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ टू रेज टू पावर सिक्स प्लस एल एन ऑफ थ्री रेज टू पावर फोर माइनस एल एन ऑफ फोर रेज टू पावर फोर। सो दिस विल बिकम एल एन ऑफ सिक्सटी फोर प्लस एल एन ऑफ एटी वन माइनस एल एन ऑफ सिक्सटी, सॉरी फोर रेज टू फोर फोर क्या होता है 256 होता है शायद 256। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा LN of 64 into 81 तो ये हो जाएगा LN of 81 over 4। ठीक है, और इसको आप प्रूव क्या करना है, हमने हो गया प्रूफ तकरीबन। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, 81 ओवर 4 क्या होता है, आई कैन राइट इट एज 9 ओवर 2 का होल स्क्वायर और 2 बाहर चला जाएगा, 2 ln of 9 by 2, ये फाइनल आंसर शो करना है।